प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिवगण, उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील उत्तर प्रदेश के हमारे सभी संस्कृतिकर्मी, उद्यमी, खेलकूद से जुड़ी हुई प्रतिभाएं और समाज जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है कि जिसे हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये वास्तव में 24 जनवरी 1950 को इस नाम से अस्तित्व में आया है। आदिकाल से ही यह धरती अत्यंत पवित्र रही है, पुण्य की रही है, पुरुषार्थ की रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसे गौरव प्राप्त हुआ इस नाम से अस्तित्व में आज ही के दिन 1950 में ही आया, यानी 70 वर्ष आज हमारे स्थापना के पूरे हुए हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है कि हम सब आज अपनी स्थापना के 70 वर्ष जब पूर्ण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन 70 वर्षों की यात्रा के बारे में आत्ममंथन करने का भी एक अवसर हम सबके पास होना चाहिए। हमने अभी यहां पर कुछ लोगों को सम्मानित किया है, कुछ विभूतियों को कल सम्मान किया जाएगा, कुछ विभूतियों को परसों भी सम्मान किया जाएगा। ये सम्मान लोगों के लिए स्मरणीय बने, इसलिए समाज जीवन में, उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जिन विभूतियों ने अपना योगदान दिया है, उनको सम्मानित करके उत्तर प्रदेश स्वयं को सम्मानित कर रहा है। और इस दिन से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम आज हम तीसरी बार मना रहे हैं, लेकिन 70 वर्ष हमारे पूर्ण हो गए, यानी 68 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में किसी को फुर्सत नहीं थी कि वो अपने अतीत के बारे में जान सके, सीख सके, या उसके उन गौरवशाली क्षणों से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके। हम सब जानते हैं कि अतीत को विस्मृत करके कोई व्यक्ति, कोई समाज और कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतीत की गौरवशाली परंपराएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और अतीत की गलतियों का परिमार्जन करके ही कोई समाज आगे की यात्रा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ा सकता है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी यही जुड़ा है। 1950 में जब तत्कालीन सरकार ने आगरा और अवध संयुक्त प्रांत को एक करके और उत्तर प्रदेश नाम के इस नए प्रदेश के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की, तो ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश बनेगा। ये वास्तव में उस समय लोगों ने के दिमाग में ये बात आई कि नहीं आई, लेकिन ये बात जरूर रही होगी कि यह वही उत्तर प्रदेश है जो लोकतंत्र की प्रथम आधारशिला भी कभी रहा था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा अपनी सबसे अधिक दूरी तय करती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज स्थित है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी स्थित है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लेकर के राज्य की व्यवस्था
कैसे संचालित होनी चाहिए और राम राज्य की अवधारणा क्या है, यह संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए दिया था। और यही उत्तर प्रदेश है जहां पर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के चुनौतियों से पलायन न करने की हम सबको सदैव प्रेरणा दी। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाएंगे और न पलायन ही करेंगे, इसका संदेश देकर के इस धरती को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत किया था। उत्तर प्रदेश वही धरती है जहां बुद्ध ने जन्म लेकर के दुनिया में शांति का संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश वही धरती है जहां सर्वाधिक जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया में अहिंसा का एक नया संदेश देकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने स्वाधीनता आंदोलन में अग्रिम पंक्ति पर चल करके देश को विदेशी हुकूमत के मुक्त कराने के लिए बलिदान देने में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं किया। और यही उत्तर प्रदेश है जिसने आजादी के बाद सर्वाधिक प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इस गौरवशाली परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और गौरव की अनुभूति होगी भी क्यों नहीं, पिछले वर्ष हमने प्रयागराज में कुंभ का इतना भव्य आयोजन किया था, कितने लोग कुंभ में आए थे, लोग मुझसे पूछते थे कुंभ के आयोजन के पहले कि कितने लोग आएंगे, तो मैं कहता था कि देखो उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और 23 करोड़ से कम लोग तो नहीं आएंगे। तो लोग कहते थे कि 13 में तो केवल 12 ही करोड़ आए थे, तो मैंने कहा ये मान के चलिए कि अगर 12 करोड़ आए थे तो इसके दुगने तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि शासन सत्ता में हम लोग हैं तो लोगों का विशेष लगाव भी होगा। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 24 करोड़ 56 लाख श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे कुंभ में, और उन्होंने कुंभ में गंगा के पवित्र पावन तट पर संगम में स्नान किया था और पुण्य के भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन, आज मौनी अमावस्या भी है और आज मौनी अमावस्या में कितने लोग प्रयागराज में आए हैं, 2.5 करोड़ लोग आए हैं। सुबह जब मैं 8 बजे वहां की रिपोर्ट ले रहा था तो उस समय तक लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में प्रयागराज में स्नान किया था, यानी 50 लाख दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है और हमारे यहां 2.5 करोड़ लोग एक बार में स्नान संगम में प्रयागराज में कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही संभव हो सकता है, अन्यत्र मुझे लगता बहुत कठिन होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अपनी आदरणीय राज्यपाल महोदया का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उत्साहवर्धन के लिए उनके प्रदेश में दौरे होते हैं और उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है उन सब में उनकी सहभागिता होती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश स्थापना के 70 वर्ष के अपने इन गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने बहुत सारे कार्यक्रमों को यहां पर शुभारंभ किया है और 3 दिनों तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। आज स्थापना दिवस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो 4 प्रमुख परंपराएं उत्तर प्रदेश के अंदर देखती हैं, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का मंच पर इसका कार्यक्रम भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के को एक नई पहचान दिलाने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को यहां पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यानी यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मानजनक स्थान दिया है, जिसमें इन खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए की 3,11,000 रुपए की राशि
एक कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र आज उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से इन खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने खेल के इन विभूतियों को जिन्होंने देश और विदेश में भी उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है, इनको सम्मान करने के लिए हर वर्ष आयोजन कर रही है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं, उनको लक्ष्मण पुरस्कार, महिला खिलाड़ी हैं उनको लक्ष्मी बाई पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं। लेकिन साथ साथ ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में भी जो खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं और वहां पर पदक प्राप्त करते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए देती है, जो मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए, प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए जाते हैं। ऐसे ही एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 50 लाख, रजत पदक पर 30 लाख और कांस्य पदक पर 15 लाख और प्रतिभाग करने वाले पर खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जहां ये कार्यक्रम, वहीं पहली बार हम लोगों के द्वारा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने फरवरी 18 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में रुचि दिखाने और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रोजगार और रोजगार के साथ साथ निवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के उद्यमी को, बाहर के उद्यमी, बड़े बड़े उद्यमी हैं उनको तो हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुलाते हैं, उनके साथ हम लोगों के संवाद होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का उद्यमी भी कितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को जमीनी धरातल पर ला करके दुनिया के सामने रखना ये उत्तर प्रदेश में प्रत्येक का दायित्व है। इसलिए उत्तर प्रदेश के ही उद्यमी का चयन किया गया और ऐसे 7 उद्यमियों को भी आज मंच पर सम्मानित किया गया है। मैं इन सभी उद्यमियों का और अपने सभी खिलाड़ियों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्हें आज मंच पर आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मान दिया गया। ये एक सम्मान, एक व्यवस्था है, क्योंकि इनके कारण उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन में सुधार हुआ। खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल करके पदक लेता है तो वह उत्तर प्रदेश के बाहर है, देश के अंदर खेल रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए खेलता है, और जब उद्देश्य से बाहर है तो देश के लिए खेलता है तो उत्तर प्रदेश का भी उसके साथ नाम जुड़ता है। इसलिए उसको सम्मान देना ये हमारा दायित्व है। साथ साथ उस खिलाड़ी को यहां पर सम्मान दिया गया और साथ साथ यहां पर हमने अपने उद्यमियों को भी सम्मानित किया है, क्योंकि इन उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के प्रसेप्शन को बदला है कि नहीं, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य है निवेश का। और उन्होंने इस बात को साबित करके, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, पहले डरते थे लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, हमें शासन के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, और उन्होंने रिस्क लिया, उत्तर प्रदेश में निवेश किया। आज उन्हें सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है। और ये 7 उद्यमी जो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चयन किए थे, आज उनका यहां पर सम्मान किया गया। मैं इस अवसर पर उनके द्वारा निवेश के साथ साथ रोजगार की जो व्यापक संभावनाएं प्रदान की गई हैं, सचमुच उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं इन सभी उद्यमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने हर एक तबके को सम्मान देने का कार्य किया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, युवाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से, प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ युवाओं के प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार करती है, जिसमें वे अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकें
और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए सब्सिडी और उनके लिए अन्य प्रकार के सहयोग की व्यवस्था हम योजना के माध्यम से तय करते हैं। हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया, अलग अलग तबके को सम्मान। कल यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़ी हुई और खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि यह वर्ष गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष है और 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर गांधी जी ग्राम स्वावलंबन की बात करते थे, तो बापू के उस सपने को साकार करने के